गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाउ मच वर्क इज डन. एक्चुअली इट वॉज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क. वर्क मीन्स बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दैट फोर्स इज कॉल्ड वर्क. सो टूडे आई एम अगेन राइटिंग एफ इक्वल टू एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इन टू एस, वेयर एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड एस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. नाउ टूडे देर मे बी क्वेश्चन हाउ टू मेजर फोर्स, दैट इज हाउ टू मेजर वर्क. मेजरमेंट ऑफ वर्क, मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क इज मेजर्ड by the product of force and distance or displacement. Distance traveled by the object. This means if a force F is applied on an object, an object goes through a distance of S, that is known as measurement of work. This will help us how much work is done by a force applied on any object. Okay, so measurement of work is done by the product of force and distance traveled by the object due to that force. Now what will be the unit of work? Unit of work is joule. If anyone asks you in which unit work is measured or expressed, your answer will be work is measured